इंडियन आइडल एक ऐसा शो जो एक वक्त पे इंडिया का सबसे बड़ा सिंगिंग रियलिटी शो हुआ करता था। इसकी टीआरपी इंडिया के बड़े बड़े सीरियल्स जैसे कि अनुपमा, ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसे सीरियल से भी काफी ज्यादा होती थी, बहुत ज्यादा अधिक होती थी। लेकिन आज हालत ये है कि इस शो की पॉपुलैरिटी 75% तक डाउन हो चुकी है, टीआरपी बहुत ही ज्यादा कम है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ इस शो के साथ जो कभी 3.0 की टीआरपी लाती थी, आज वो गिरते गिरते 0.6 तक आ चुकी है, मतलब आधा का भी आधा। तो ऐसा क्या गलत हुआ इस शो के साथ, आइए जानते हैं शुरू से, बिल्कुल शुरू से। इंडिया में इस शो की शुरुआत 2004 में हुई। पहले सीजन में जज अनु मलिक, फरहा खान और सोनू निगम थे। पहले सीजन के विनर अभिजीत सावंत थे। अपने पहले ही सीजन से इस शो को इतनी पॉपुलैरिटी मिली कि बस शब्दों में बयां करना मुमकिन नहीं होगा, मानो इस शो को लॉटरी ही लग गई हो। सिलसिला आगे बढ़ता रहा, शो की पॉपुलैरिटी सीजन दर सीजन बढ़ती ही गई। सीजन 6 तक सब कुछ नॉर्मल ही था। सीजन 7 और सीजन 8 की जगह पे इंडियन आइडल जूनियर सीजन 1 और सीजन 2 को लाया गया, जो ठीक ठाक ही परफॉर्म करता रहा। फिर आया सीजन 9, ये भी ओके ओके ही था। लेकिन इस शो की किस्मत पलटने वाली थी अगले सीजन से, और इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। हुआ ये कि इंडियन आइडल सीजन 10 में आते हैं सुरों के बादशाह सलमान अली, जिन्होंने इस शो को वो पहचान दिलाई जिसकी कल्पना भी शो के मेकर्स नहीं कर सकते थे। ये 2018 की बात है और इस टाइम पे जियो की वजह से सोशल मीडिया पीक पे था, और यहाँ सलमान अली ने ऐसा समा बांध दिया कि पूरे सोशल मीडिया में वो छा गए। जिन्होंने कभी इंडियन आइडल का नाम तक नहीं सुना था वो भी इस शो को देखने लग गए। इस सीजन में आए एक से बढ़कर एक टैलेंटेड सिंगर्स की वजह से, स्पेशली सलमान अली की वजह से। बाकी सभी सीजन जहाँ 25 से 30 एपिसोड्स में ही खत्म हो जाते थे, वही ये सीजन रिकॉर्ड तोड़ 50 एपिसोड्स तक चला। 50वां एपिसोड इसका फिनाले एपिसोड था, और ये सब मुमकिन हो पाया ऑडियंस के प्यार की वजह से, सलमान अली की वजह से। अब कहानी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि ये मेन पॉइंट नहीं है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। जो मैं बताने वाला हूँ वो और भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। सीजन 11 थोड़ा फीका रहा, लेकिन सीजन 12 सीजन 10 से भी बड़ा सुपरहिट साबित हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज का एक वक्त होता है, तो वो वक्त इंडियन आइडल का शायद यही तक था, क्योंकि आगे जो होने वाला था उसने इस शो को ऑलमोस्ट 75% तक खत्म ही कर दिया। हुआ ये कि इंडियन आइडल सीजन 12 से एक कंटेस्टेंट साहिल सोलंकी को एलिमिनेट कर दिया जाता है, जिसके बाद वो सोशल मीडिया पर एक वीडियो पब्लिश करते हैं जहां पर वो बताते हैं कि उसे गलत तरीके से शो से बाहर निकाला गया है। उसने ऐसा कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दिया था जिसमें कोई गलती हो, तो कैसे उसे जजेस कम स्कोर दे करके बाहर करने के लिए बॉटम में रख देते, और वोट्स कम मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके बहुत सारे चाहने वाले थे जो उसे बहुत ज़्यादा वोट्स कर रहे थे और उसे ठीक ठाक वोट्स मिल रहे थे, तो बाहर वो हुआ तो हुआ कैसे। तो वो ये सारी बातें वीडियो में करता है। इसके अलावा वो इंडियन आइडल की बहुत सारी अंदर की बातें भी मीडिया के सामने रख देता है, जिससे शो को काफ़ी बदनामी मिलती है। इसके अलावा खुद इंडियन आइडल के जज रह चुके बॉलीवुड के बहुत बड़े सिंगर सोनू निगम का एक इंटरव्यू आउट होता है, जहां पर सिंगिंग रियलिटी शोज को वो बेनकाब ही कर देते हैं। उन्होंने इंडियन आइडल का या फिर किसी भी रियलिटी शो का डायरेक्टली नाम तो नहीं लिया, लेकिन दर्शक समझ गए कि इशारा इंडियन आइडल की ओर ही है। इस इंटरव्यू में सोनू निगम बताते हैं कि इन रियलिटी शोज में आजकल कुछ भी रियल नहीं होता है, यानी रियलिटी शो नाम का है, रियल कुछ भी नहीं होता है। कंटेस्टेंट्स की झूठी कहानी दिखाई जाती है, गरीबी दिखाई जाती है, और टीआरपी पाने के लिए आजकल जजेस तो कंटेस्टेंट्स अच्छा परफॉर्मेंस थोड़ा सा दे देते हैं तो सीधे जाकर के वो पैरों में गिर जाते हैं, उनकी बढ़ाई बहुत ज़्यादा वो बढ़ चढ़ कर करने लग जाते हैं, और जो कंटेस्टेंट्स परफॉर्म करते हैं वो भी रियल नहीं होता है, वो स्टूडियो में रिकॉर्ड किया जाता है। कुछ ही कंटेस्टेंट्स रियल परफॉर्मेंस देते हैं, बाकी सभी का फेक ही परफॉर्मेंस होता है, लिपसिंक बस वो वहाँ पे करते हैं। अब सोनू निगम जब ये बातें रख देते हैं सोशल मीडिया में और मीडिया में ये बातें होने लग जाती है, तो आप समझ ही सकते हैं कि शो को कितना बड़ा धक्का पहुँचा होगा, क्योंकि इसे रियलिटी शो लोग समझ रहे थे, लेकिन ये तो रियल है ही नहीं, रिकॉर्डेड गानों पर ये परफॉर्मेंस हो रहा है, तो ऐसे में कौन देखना चाहेगा जबरदस्ती इन शोज को। वो जो आइडल शुरू हुआ था जहाँ पे हम जजेस को अलाउड नहीं था स्टेज पर जाना,
अघात क्या होता है? रो रहे, जज रो रहे हैं, एक आ रहा है और बोल रहे हैं, मैं आपके पैर पड़ जाऊं, कंटेस्टेंट को बोल रहे हैं, मैं आपके पैर पड़ना चाहता हूँ, मैं आपके पैर पड़ना चाहता हूँ, मैं आपके पैर पड़ना चाहता हूँ। अरे भैया, ऐसा मतलब ये जो आइडल का जो स्तर हम रखते थे पहले, जो हमको मेंटेन करने के लिए कहा गया था, और देशों में तो वही चल रहा है, वहां तो नहीं हो रहा। वहां के लोग जजेस जो है वो तो नहीं जाके लोगों के बोल रहे कि हे डूड, आई वांट टू टच योर फीट मैन, आई वांट टू बाय डाउन टू यू मैन, आई वांट बाय, ये तो नहीं बोल रहे वहां के लोग। सर वो कैसा उसे गाया, मैं बोला थोड़ा अच्छा नहीं इतना सर, यू नो यू हैव टू हाइप हाइप द कंटेस्टेंट, कंटेस्टेंट को हाइप करो, ऐसा करो वैसा करो। अब मेरे दिल से नहीं आ रहा यार, इतना अच्छा उसने इतना अच्छा नहीं गाया, और मैं उसको बेवकूफ क्यों बनाऊं, जब उसने गाया खराब है तो मैं उसकी तारीफ क्यों करूं। तो ये चीजों की वजह से जो, और एक और सीक्रेट बताता हूँ मैं आपको, हमारे यहाँ पे एक और सीक्रेट है, जो टेली जो आप परफॉर्मेंस देखते हैं टेलीकास्ट की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आइडल, आई एम नॉट टॉकिंग एनी नेम एक्चुअली, लेट मी नॉट टेक एनी नेम बिकॉज फिर वो हो जाएगा, देर आर लॉट्स ऑफ शोज, आई अंडरलाइन लॉट्स ऑफ शोज म्यूजिक कॉम्पिटिशन, एंड परहैप्स मे बी 99% ऑफ द म्यूजिक म्यूजिक कॉम्पिटिशन शोज, सिंगिंग कॉम्पिटिशन शोज, वेयर वॉट यू आर वॉचिंग इज अ डब्ड परफॉर्मेंस और इज अ करेक्टेड परफॉर्मेंस, दे डोंट वॉन्ट टू शो यू द फॉल्टर्ड सिंगिंग, जो सिंगर ने खराब गाया हुआ है जी। तो अगर जज ने बोला है कि अरे ये जो आपने क्रॉस गाया है, क्रॉस में आपने बेसुरा गाया है, और टेलीकास्ट में बेसुरा आएगा ही नहीं। कौन देखना चाहेगा जबरदस्ती इन शोज को? कंटेस्टेंट्स की झूठी तारीफ करवाई जाती है और ये सब इंडियन आइडल की टीम जबरदस्ती करवाती है। उनका स्पेशल डिमांड होता है जजेस से कि आपको ये करना ही होगा। अब आम लोगों को इन सभी बातों का पता चलता है तो उनका विश्वास ही उठ जाता है इन रियलिटी शोज से, खास करके इंडियन आइडल से। सोशल मीडिया का जमाना है और अब तो आए दिन ऐसे रियलिटी शोज को कोई भी एक्सपोज करके चला जाता है, कहीं ना कहीं कुछ क्लिप ऐसा दिख जाता है जिससे इन रियलिटी शोज की सच्चाई लोगों तक आ ही जाती है। अब वैसे भी जमाना शॉर्ट्स और रील का है, लोगों को हर मिनट एक अलग फ्लेवर का वीडियो चाहिए होता है, तो ऐसे दौर में अपना 1 से 1.5 घंटा कौन देना चाहेगा एक्सपोज हो चुके इन रियलिटी शोज को। इसीलिए बहुत सारे लोग अब इन रियलिटी शोज को देखना ही बंद कर चुके हैं क्योंकि मन में बैठ गया है कि ये सभी फेक होते हैं, तो कौन देखना चाहेगा। इसी वजह से टीआरपी भी गिरते जा रही है और ये शो फ्लॉप होते ही जा रहे हैं। सीजन 12 बहुत अच्छा था लेकिन सीजन 13 अचानक से बहुत बड़ा फ्लॉप साबित हुआ। सीजन 14 को हिट कराने के लिए बहुत सारे चेंजेस करे गए हैं, जैसे कि नेहा कक्कर को हटा करके श्रेया घोषाल को लाया गया, हिमेश रेशमिया को हटा करके कुमार सानू को लाया गया, लेकिन इन सब से शो को कोई भी फायदा नहीं पहुंचा दोस्तों। शो की टीआरपी लगातार गिरते ही जा रही है। आज आलम ये है, सीजन 12 में 3.0 की टीआरपी होती थी लेकिन आज के डेट में उसका आधा भी नहीं, आधा का भी आधा उससे भी कम 0.6 की टीआरपी हो चुकी है। और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन शोज का फ्यूचर अब क्या होने वाला है। लोग बिल्कुल भी इन शोज को अब देखना पसंद नहीं करते, कुछ ही लोग हैं, कुछ ही सेलेक्टेड ऑडियंस हैं जो इन शोज को देख रहे हैं। तो दोस्तों, इंडियन आइडल के बारे में आपका क्या कहना है? ये थी इंडियन आइडल के डाउनफॉल की कहानी। सोनू निगम ने जो स्टेटमेंट दिया है उससे आप अग्री करते हो या नहीं, कमेंट करके जरूर से बताना। सिंगिंग रियलिटी शोज का फ्यूचर आपके हिसाब से क्या होने वाला है? क्या ये आगे जा करके सुधार कर पाएंगे, ठीक ठाक परफॉर्म कर पाएंगे, या फिर अब खत्म होने को है सिंगिंग रियलिटी शोज? क्या लगता है आपको? अपना विचार कमेंट सेक्शन में जरूर से दें। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल द टी आर क्यू फैक्ट्स को अभी आप सब्सक्राइब कर लो। शुक्रिया।